हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, क्या हालचाल है आप लोगों के। तो जैसा कि इशू चल रहा है कॉलेज ऑफ आर्ट में, आपने देखा होगा प्रोटेस्ट भी चल रहा है वहां पर। अब ये इशू क्या है, आज हम इस बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो गाइस, जैसे कि कॉलेज ऑफ आर्ट जो था पहले एफिलेटेड था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो इससे पहले 2021-22 के जो एडमिशन थे इस साल से पहले, वहाँ उसके फॉर्म निकले नहीं थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई अपडेट भी नहीं थी। इसका रीजन क्या हो रहा था, वही प्रॉब्लम हो रही थी, एफिलेशन की प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ कॉलेज के अपने इश्यूज थे, कुछ यूनिवर्सिटी के अपने इश्यूज थे, तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से 21-22 के एग्जाम नहीं निकले थे, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो गाइस, फाइनली अब जो है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का जो एफिलेशन है वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी के साथ में हो चुका है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, जिन बच्चों ने पहले जो कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए प्रिपरेशन करते थे, वो क्यों करते थे भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमें डिग्री मिलेगी, ये एफिलेशन होता है, ठीक है। जैसे ये कॉलेज है हमारा, तो इसका एक एफिलेशन था, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, मान्यता प्राप्त जिसे बोलते हैं, तो ऐसे ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो गया इस टाइम पे। बट जिन बच्चों ने अभी तक इसके अंदर एडमिशन ले लिया है, जैसे मास्टर्स वाले हुए या बीएफए वाले हुए, तो उनको कौन सी डिग्री मिलेगी। कॉलेज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपकी जो डिग्री होगी वो डिग्री आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी। वो तो देखो टाइम बताएगा कि क्या है रीजन, और मेरे हिसाब से उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही डिग्री उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अपकमिंग जो एडमिशंस होंगे, अब उनको किसकी डिग्री मिलेगी, उनको जो डिग्री मिलेगी वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ये वाला कॉलेज, अब उसके डिग्री मिलेगी उनको। अच्छा, इसमें क्या क्या इश्यूज आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, इसके अंदर प्रॉब्लम्स ही आएंगे। देखो, नया एफिलेशन अगर हम किसी का लेते हैं तो उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ऐसे ही अंबेडकर यूनिवर्सिटी के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो उसके बिहाफ पे अब सारा, देखो इसमें इशू क्या है, इसमें स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, टीचर्स को भी प्रॉब्लम्स होगी इसके अंदर, क्योंकि भाई नए नए रूल्स आएंगे, उनके अकॉर्डिंग ही इस कॉलेज को आपको जो है मैनेज करना पड़ेगा। तो ये इशूज भी आएंगे। अब इस बारे में देखो, मेरी सलाह यह है कि जैसे पहले कॉलेज चल रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड था, यार उसी से ही एफिलेटेड होना चाहिए। मैंने जिस टाइम अपना एमएफए की डिग्री करी थी, तो मेरे पास तो जो डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, और इसी बिहाफ पे मेरे को भी बड़ी खुशी होती है कि मैं दिल्ली से पढ़कर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरे पास डिग्री, प्राउड सा महसूस होता है। अब ये भी नहीं पता कि ये कॉलेज इन फ्यूचर में शिफ्ट हो जाए यहाँ से, क्या इश्यूज हो, क्या प्रॉब्लम्स हो, पहले जो फीस स्ट्रक्चर था वो अब वही फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कम होगा या ज्यादा होगा। देखो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है जहां से अब एफिलेशन हो रहा है इसका, अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो है प्रॉब्लम, जो जितने भी टीचर्स हैं उनको भी, कॉलेज ऑफ आर्ट के टीचर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही है इन चीजों की। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अब अपकमिंग जो फॉर्म्स निकलेंगे उनके अंदर फिल करेंगे, उनको भी क्या क्या इश्यूज देखने को मिलेंगे, तो यार ये प्रॉब्लम चल रही है। इसी वजह से जो है वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है बच्चों का, और न्यूज में भी दिखाया जा रहा है। तो देखो, मेरी एडवाइस ये रहेगी आप लोगों के लिए, जिन जो अभी तक कर रहे हैं कॉलेज ऑफ आर्ट में, जिनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चल रहा है या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर चल रहा है, तो कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का कहना ये है कि आपको तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही जो है डिग्री दी जाएगी, लेकिन जो अपकमिंग जो स्टूडेंट है यार, उनको जो है अंबेडकर यूनिवर्सिटी की डिग्री दी जाएगी। तो जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, और मैं ये चीज कहना चाहता हूँ गाइज, कि कॉलेजेस बहुत है, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, कॉलेजेस बहुत हैं। अब जरूर नहीं है कि आप एक ही कॉलेज पे डिपेंड रहे, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, BHU है, जामिया है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट है, बहुत सारे ऐसे फाइन आर्ट के कॉलेजेस हैं, तो आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। जैसा भी होगा, अगर आपके पास में भी कोई ऐसा इससे रिलेटेड कोई बात हो, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि जिससे कि मेरी वीडियो के माध्यम से और भी लोग इसको देख पाए, समझ पाए। तो गाइस, मुझे लगा यार इस बारे में बात करनी चाहिए। देखो, मैं सही बात बोलूं ना, मैं रियली में बहुत टाइम से, आपने देखा होगा, मैं अपडेट भी नहीं देता हूं इस चीज को लेके, यार मेरा मन ना बहुत उठ चुका है। जो चीज जरूरी नहीं है कि पहले अच्छी हो, अभी भी अच्छी हो, देखो टाइम के साथ साथ ना चीजें चेंज होती हैं। आपको ना समझने वाली बात होनी चाहिए, आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए कि भाई हाँ, पहले जो टाइम था उस टाइम पे वो चीज सेट बैठ रही थी, लेकिन अब का जो टाइम है ना वो चीज सेट नहीं बैठ रही है। ये नहीं कि आप बस उसके पीछे भागे जा रहे हो एक ही चीज के पीछे, चीजें चेंज होती है। देखो, मैं सिंपल सा एक चीज बताता हूँ आपको, पहले क्या था, लेटर्स चलते थे, जैसे हम किसी को बताते थे या कुछ हमसे बात करनी होती थी तो हम लेटर पोस्ट करते थे,
ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, फोन आ गए, फोन के थ्रू हम करने लगे, लेकिन फोन के थ्रू में उन लोगों ने जो फोन की कंपनी है उन्होंने भी पैसा कमाया। फिर क्या हुआ, लोगों ने क्या करा, पहले एसटीडी भी चलती थी, जगह जगह एसटीडी पीसीओए खुले रहते, तो लोगों ने उसमें भी पैसा कमाया। उस काम के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर कुछ टाइम क्या बात हुआ, लोगों के पास में फोन आ गए, तो एसटीडी से जो कॉलिंग वगैरह जो करने जाते थे लोग, वो चीज भी उनकी बंद हो गई, ठीक है, और उनके काम भी धीरे धीरे बंद होने लगे। तो लोगों ने क्या करा, अपने एसटीडी पीसीओ हटाकर वहां पर रिचार्ज रखने शुरू कर दिए, 10 रुपए का रिचार्ज, 15 रुपए का, 50 रुपए का रिचार्ज, जिसका भी जो भी सिम हो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिचार्ज सेल करने शुरू कर दिए। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये जितने भी जैसे ही ये फोन्स आए, अपने स्मार्टफोन आए, तो क्या हो गया, इसके अंदर ये यूज भी, डिजिटल पेमेंट भी शुरू हो गई। तो अब क्या हुआ, जो रिचार्ज वाला काम था वो भी ठप हो गया लोगों का। तो ये ना चीजें चेंज होती है हमेशा, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब रिचार्ज लोग क्या करते, अपने फोन से कर लेते, पेटीएम हुआ, फोन पे हुआ, इसके थ्रू आप लोग खुद कर लेते हो रिचार्ज। कौन जाता है इतना कि रिचार्ज कूपन लेने जा रहा हूं मैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनके साथ में भी ये सब चीजें हुआ। तो काम कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। कभी एक टाइम पे किसी चीज का नाम था भाई, हाँ बीएफए ये चीज थी, बीएफए में इतनी भीड़ जा रही है आप लोगों को पता होगा, और कितने लोग कहां सक्सेसफुल हो रहे। देखो मैं सच बात बोल रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, आप देख रहे हो ना। तो यही है कि यार देखो, काम को आप समझो, आपको डिग्री से मतलब है तो आप डिग्री ले लीजिए, ये नहीं कि देखो प्रॉब्लम्स हो रही है कॉलेज में, कॉलेज खुद परेशान है, कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, इस चीज की यार उनको नहीं हो रहा होगा, उनको क्या मजा आ रहा है ये सब चीजें करने में कि हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दे देंगे, दे दे वो दे दे, नहीं, उनको भी ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, ये हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, क्यों नहीं कर रही दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये पता नहीं क्या इश्यूज है अंदर के, क्या प्रॉब्लम्स है। देखो परेशान हर कोई लेता, क्योंकि उनके काम पर भी फर्क पड़ रहा है इस चीज का। बच्चे क्यों जा रहे थे भाई कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो चाहेंगे कि हमारा दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए, पर क्या हो रहा है पता नहीं, क्या सिचुएशन है, क्या ऑफिशियल जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, पता नहीं क्या इश्यूज हो रहे हैं जिस वजह से ये इशू आ रहा है। देखो प्रॉब्लम सभी को हो रही है यार, देखो कॉलेज है, कॉलेज को भी प्रॉब्लम हो रही है, आप हो उन वहाँ के टीचर है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, आप स्टूडेंट्स हो उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम सब में। अब इसका सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट जल्द से जल्द निकाले, और मेरे हिसाब से जो जैसा चल रहा था यार दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड था, तो वही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो यही है मेरा ओपिनियन, यही कहेगा। और आप लोगों की क्या राय है जरूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा गाइस, और कुछ भी आपके पास में इंफॉर्मेशन हो इससे रिलेटेड तो जरूर मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा। तो बस यही था कहना चाहता था मैं इस वीडियो में यार। तो बस आप लोग अगर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा यार ध्यान से इन चीजों को देखकर, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा काम कुछ नहीं करना है आपको, शांति से भी होती है ये बातें, अगर कोशिश करो अगर ये प्रोटेस्ट ना कर वैसे इजीली बातें हो जाए तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, ये चीज ज्यादा ठीक रहेगी। जो वहां के जो भी उस प्रोटेस्ट में जो मैन बंदे हैं वो जाकर बात करें यूनिवर्सिटी से, ये चीजें करें, क्योंकि ऐसे करने में तो इशू, देखो प्रॉब्लम आपको भी है, कॉलेज को भी है, और वहां से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो आप कोशिश ये करिए कि अगर आराम से ये रास्ता निकल जाए तो बहुत ही बेस्ट है जो भी चीज हो। बाकी यही है कि अगर नहीं हो रहा तो आप किसी दूसरे कॉलेज में आप ट्राई करिए, मैं तो ये सलाह दूंगा, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप उनको ट्राई करिए, और आप में जज्बा होना चाहिए यार सीखने का, वहाँ के टीचर अच्छे होने चाहिए, ये चीज आप फोकस करिए। प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अदर कॉलेजेस हैं, वहाँ ट्राई करिए आप इस चीज का। और जिनका हो चुका है इसके अंदर, तो उनको तो डिग्री मिल ही रही है बीएफए अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो अपकमिंग है तो यार वो उनके लिए तो बहुत सारी जगह अवेलेबल है यार, आप लोग उनकी तैयारी करिए, जब एंट्रेंस देना ही है तो और जगह भी दे दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा एक ऑप्शन पे मत टिकिए, ठीक है, अदर कॉलेजेस हैं, सभी को फिल करिए आप, समझ गए मेरी बात को। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।